बड़ी जानकारी, जहां साउथ वेस्ट जिले की पुलिस ने अपहरण का केस सुलझा लिया। 45 दिन के बच्चे का अपहरण हुआ था, जहां एक महिला सहित दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बच्ची को बचाया गया। सफदरजंग अस्पताल से महिला ने बच्चे का अपहरण किया था, जहां पुलिस ने 45 दिन के बच्चे को अपहरणकर्ताओं से बचाया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया। साउथ वेस्ट जिले की पुलिस ने अपहरण का केस सुलझाया। 45 दिन के जो बच्चा था उसको अपहरण किया गया था और एक महिला सहित दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ उस मामले की जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट है मामले पर? बिल्कुल जी, देखिए 15 तारीख को एक महिला ने पुलिस को कॉल की थी, जो कि सफदरजंग थाने की पुलिस है। उनको बताया था कि उनके 45 दिन का बच्चा है और सफदरजंग अस्पताल के अंदर उनके पति का किडनी का इलाज चल रहा था, जिसके चलते वो अपने बच्चे को लेकर गोदी में आई थी और वहां पर बैठी हुई थी। तभी एक महिला आती है, उसको बातों में बहला फुसला लेती है और उसके बच्चे को गोदी में उठा लेती है और उसके बाद वो बच्चे को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। जिसके बाद थाने की पुलिस को जब शिकायत मिली तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो पुलिस स्टेशन की ज्वाइंट टीम जो है वो लगाई गई और दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर पुलिस को तैनात किया गया और सीसीटीवी की मदद से देखा गया कि महिला जो है वो सफदरजंग अस्पताल के पास से बच्चे को एक ऑटो में बिठाकर ले जाती है। उसके बाद जब ऑटो की नंबर के जरिए ऑटो चालक तक पहुंचे, पुलिस पहुंची, उसके बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने महिला को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर छोड़ा है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, वहां की सीसीटीवी कलेक्ट करती है तो पता चलता है कि वो रेल में बैठ करके उत्तर प्रदेश कहीं जा रही है। जिसके बाद रेलवे पुलिस से संपर्क किया गया और उसके बाद उस महिला को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया। हालांकि इसके अंदर खास बात यह है कि ये इतनी चालाक महिला थी कि इसने रेल के अंदर ही अपनी जो हुलिया था वो पूरी तरीके से बदल लिया था, यानी कि इसने एक शॉर्ट निक्कर पहन लिया था, टी शर्ट पहन ली थी, लेकिन जब इसने बच्चा चोरी किया था, बच्चे का अपहरण किया था, उस समय उन्होंने कपड़े कोई और पहन रखे थे, ताकि रेलवे पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, अगर रेल में चढ़ती भी है तो उसको पता ना चल सके और सीसीटीवी की मदद से ये ना पता चल सके महिला ये है। लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत ही चतुराई के साथ ये काम किया और दो पुलिस थानों की पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और रेलवे पुलिस के साथ मिलकर महिला को और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम माही उर्फ सोफिया है और एक लड़का है इसके साथ में 24 साल का रोहित कुमार। इन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है, दोनों को पीसी रिमांड पर लिया गया है कि आखिरकार ये बच्चे आखिरकार दिल्ली से चोरी क्यों करते थे, क्या ये बच्चे को आगे बेच दिया करते थे, या फिर इस महिला की शादी हो रखी है, या फिर इसकी महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे इस वजह से चोरी किया था। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार महिला ने ये बच्चा चोरी क्यों किया था। अब बिल्कुल जितेंद्र, बिराल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।